Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. This is Swati. I just hope you are doing great. तो आज डेट है 12th of July और डे है आज Wednesday. तो जो ब्लॉग आपने इससे पहले देखा होगा मैंने आज ही मॉर्निंग में एंड करा है और अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई, तो मैंने यहाँ से अपना फ्रेश वीडियो स्टार्ट कर दिया है. तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ कॉलेज के अवतार में हो. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, नाश्ता हो गया है, पूरी फुल टू रेडी हूँ, बस निकलने की देरी है. छाता डालूंगी बैग में और निकलूंगी कॉलेज के लिए, क्योंकि फिलहाल मौसम साफ है. साफ मीन्स बस बारिश की कमी है, धूप वगैरह कुछ ही नहीं है और बादल वादल पूरा है. तो छाता ले लेते हैं, ऐसे में लापरवाही नहीं करनी है और कॉलेज चलते हैं. आज देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, क्या होता है कॉलेज में, क्या नहीं, वो आप लोगों को मैं अपडेट देती रहूँगी. नाश्ता मेरा हो गया और मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए. तो आज का जो बेसिकली कॉलेज रूटीन रहने वाला है आप लोगों को मैं वो दिखाऊंगी. तो चलिए फिर, एक डेढ़ महीने के बाद कॉलेज, आप लोग भी और मैं भी. दिस इज माय कॉलेज ड्रेस. निकल गई हूँ कॉलेज के लिए और बहुत भयंकर भीड़ दिख रही है मुझे आगे कावट वगैरह की, और मौसम भी बहुत भयंकर ख़राब हो रहा है. 15 मिनट के अंदर कॉलेज नहीं पहुँची तो आज बहुत गंदा वाला भीग जाऊँगी. इसलिए फटाफट से दिखाती हूँ आप लोगों को. How are you? So guys, I'm in the college or oh my god, see this. And she, you know, everybody know her. और इसने मुझे सरप्राइज करा इस अपनी फेवरेट, मेरी फेवरेट पहाड़ी डिश के साथ. मुझे कोई आइडिया नहीं था ये लाने वाली है. एंड आई एम सो हैप्पी, अब ये पूरा मैं खाऊंगी. इसने जो मुझे सरप्राइज करा है उसका वीडियो आपको इसके चैनल पे मिल जाएगा. क्या नाम है आपके चैनल को? वी आर आवर ब्लॉग्स. तो वो सरप्राइज का वीडियो, मेरा रिएक्शन, मतलब इसके पेट में ये बात पची कैसे, आई डोंट नो. चलिए मैं इंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से. क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत बताओ. दिक्कत बताओ. तो आज कॉलेज में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ. हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल वगैरह करा, फिर लंच टाइम हो गया था और हम आज 6-7 बच्चे थे, मतलब 5 लड़कियां और एक ये लड़का था बस. और लंच वगैरह करा, उसके बाद फिर हमारा मतलब थोड़ा ऐसे फ्री टाइम था, तो उसमें हमने थोड़ा एंजॉय करा. आप लोग आगे देखेंगे. और यहाँ हमारी योगी की छुट्टी, और आप लोग देख सकते हैं कॉलेज में किस तरीके से पानी भरा हुआ था, मतलब बहुत हद पार हो गई थी आज तो. आई जस्ट रीच होम, और घर पहुँचने के बाद मैंने हाथ पैर धुले अच्छे से और कपड़े वपड़े चेंज करे और बस आप लोगों से मिल रही हूँ. पेट मेरा पूरा भरपूर भरा हुआ है क्योंकि लंच अभी करा था हमने 1 बजे के आसपास और अभी 2:30 बज रहा है और मम्मी बना रही है किचन में पकौड़े. तो कॉलेज के बाहर मैंने आप लोगों को दिखाया, इतना गंदा पानी भरा हुआ था, पैरों में भी खुजली हो गई आने के बाद. बस पाँव धुले हैं अच्छे से और ये मेरी टी शर्ट है पीछे. तो बस आने के बाद बैठी हूँ. और कॉलेज में आज सिर्फ हम 5-6 बच्चे थे और कोई भी नहीं था. 5-6 बच्चे थे तो प्रैक्टिकल करा हमने SGL कोलेस्ट्रॉल का, बायोकेमिस्ट्री, और बस घर आ गए. बारिश बहुत तेज थी, मतलब अगर हम बारिश रुकने का वेट करते तो पता नहीं कितनी देर और रुकना पड़ता, क्योंकि अभी तक भी बारिश बंद नहीं है. और बस घर आ गई. रास्ते में मैंने फ़ोन वगैरह नहीं निकाला क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ट्रेजेडी बताई थी, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी अपना फ़ोन बारिश में निकाल कर. तो बस आकर बैठी हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ और सोच रही हूँ तो उधर टीवी देख लेती हूँ और सो जाती हूँ. मम्मी बना रही है किचन में कुछ बढ़िया सा बारिश के मौसम के हिसाब का. तो क्या बना रही हूँ मैं आप लोग को दिखाती होगी.
क्या बना रहे हो? गर्मा गर्म चाय पकौड़ी। हाँ हाँ, मौसम अच्छा है। मौसम आप कॉलेज से थके हुए आए और घर पे गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बने बने मिल जाए, आह क्या चाहिए फिर इसके आगे, मजा आ गया। क्योंकि उसमें पापा लेट रहे हैं, पापा भी आए थे तो वो टीवी भी देख रहे हैं और मेरा भी सोने के अपनी कुछ कंडीशंस हैं, लाइट में शोर में मैं नहीं सो सकती हूँ। यार अभी बात कर रही हूँ, लाइट में शोर में मैं नहीं सो सकती हूँ। चलिए फिर सोती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी भी। तो मैं सोकर उठ गई थी और 5:30 के आसपास उठ गई थी, 4 बजे सोई थी, 5:30 उठ गई थी और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का और बारिश हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है। और उठने के बाद बस थोड़ा सा फ़ोन देखा, अपनी फ्रेंड से बात करी और कल कॉलेज मुश्किल ही जाऊँगी क्योंकि ऐसे मतलब पढ़ाई में तो कुछ वर्थफुल नहीं था। पहले तो इतनी बारिश में कॉलेज गए, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हुई, मेन होता है अटेंडेंस, वो भी नहीं लगी, मतलब लगी है बट इतना कुछ सीरियसनेस नहीं दिखी। और फिर गंदगी, शायद कल ना जाऊँ, शायद अभी श्योर नहीं होना, अगर मौसम साफ रहा धूप वूप रही तो जाऊँगी। तो मैं खा रही हूँ खजूर और ये वाला खजूर है वो। थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद मैं आ गई थी किचन में सब्जी वगैरह बनाने के लिए और खाने में क्या बना है आज वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बस उसी की तैयारी में यहाँ लगी हुई थी। खाना वगैरह बन गया है, खाना मतलब सब्जी वगैरह बन गई है, रोटी नहीं बनी है अभी, वो जब खाएंगे तब तभी बनेंगी। और आज का जो डिनर है वो थोड़ा सा स्पेशल होगा, बाहर अंधेरा हो गया है हल्का हल्का, ऊपर जाऊंगी घूमने के लिए क्योंकि बारिश बंद है, तो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं और डिनर में क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो डिनर में है आज शाही पनीर, जो कि पापा नहीं खाते हैं, मैं और मम्मी खाएंगे। तो और दिखाती हूँ, ये है लौकी और आलू की सब्जी, ये कल की थी तो इसको मैंने अच्छे से तड़का वड़का लगा दिया, तो ये भी यूज़ में आ जाएगी। और पापा के लिए बनाई है पनीर भुर्जी और यहाँ है रायता, जो कि सिर्फ मेरा और पापा का है क्योंकि हम ही रायता लेते हैं इस टाइम, मम्मी नहीं लेती हैं। मम्मी आ गई हैं पूजा करके क्योंकि अंधेरा हो गया है। और छत पे चलती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा, कैसा और है, घूमने लायक नहीं है तो नहीं जाऊँगी। ऊपर तो नहीं गई, मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकल के आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। व्यू तो खैर क्या ही होगा, ऐसे में कीचड़ वगैरह ही है, पर फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ लग गई है मेरी प्लेट जिसमें होगी सब। तो अभी टाइम आ गया है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का, खाना पीना सब हो गया था, उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम था वो कंप्लीट करा और फेस वॉश वगैरह करके बैठ गई हूँ मैं। टीवी चल रहा है सामने तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। एडिट अभी कर दूँगी, शेयर शायद कल मॉर्निंग में करूँगी क्योंकि इस टाइम रूम के अंदर नेटवर्क आना बहुत बड़ी महाभारत है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं।
और एडिट कर देती हूँ और मॉर्निंग में आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर दूँगी। ये फिर दीजिए मुझे इजाज़त, और एक से डेढ़ महीना ऑलमोस्ट मान लीजिए, डेढ़ महीने के बाद मैं अब कॉलेज गई थी, क्योंकि कॉलेज तो मेरे बहुत पहले खुल जाने चाहिए थे पर बारिश की वजह से नहीं खुल रहे थे। आज खुला, आज भी जाना बिल्कुल वर्थफुल नहीं था। आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया होगा, बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल देखती हूँ कॉलेज जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, जैसे भी होगा आप लोग को आगे ब्लॉग में बता दूँगी। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो, मौज करो।